गुड्डा लोकसभा चुनाव पार्टी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के चुनाव प्रचार में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुड्डा पहुंचे। जिले के पत्रकामा प्रखंड के छाताताड़ मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए निशिकांत दुबे को जिताकर फिर से संसद भवन भेजने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर निशिकांत दुबे को जिताने की अपील भी की। भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप में 12 बजे के निर्धारित समय से आधे घंटे विलंब से श्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां पर सभा को संबोधित करते हुए देश में नक्सल की समस्या पर भी बात की। कहा कि देश में नक्सल समस्या में कमी आई है, चंद राज्यों में ही अब कुछ बचे हुए हैं, आने वाले दिनों में पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। सभा में उम्मीदवार निशिकांत दुबे के साथ स्थानीय विधायक और नेतागण मौजूद थे। मैडम आलू, नक्सलवाद जो पहले अक्सर 26 जिलों में था, सिमट कर 5-6-7 जिलों में रह गया, और आगे 3 साल में हम लोग इसको भारत की धरती से समाप्त करेंगे। गरीबों का खून चूसते हैं, जो पिछड़े हुए और गरीब क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का विकास नहीं होने देंगे। और मैं मानता हूं कि देश के गरीबों का, आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है, ये नक्सलवादी है। इनके हौसले पस्त हैं, अब सीधे पुलिस के साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते, अब आईडी लगाते हैं, आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी आगे की भी योजना तैयार कर ली है कि कैसे इनका इस हिंदुस्तान की धरती से सफाया करें। गृहमंत्री बनने के बाद तो मैंने यह भी कहा था, यदि लोग बात करना चाहते हैं तो बात करने को हम तैयार हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए बात करने। अब इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बना बचा। और मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जाति पाति पंथ और मजहब के आधार पर वोट मत करिए, वोट करिए तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर वोट करिए। बैठे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां में से बहुत सारे परिवारों के घर गैस सिलेंडर पहुंचा होगा, यह सच्चाई है कि नहीं है? क्या कभी आपने कल्पना की थी? इसके पहले भी तो आजाद भारत में आप लोगों ने बहुत सरकारें देखी, और इन लोगों ने आजादी हासिल होने के बाद 1947 से लेकर 2014 तक 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिए। ये हमारे काम करने का तरीका, चौड़ी चौड़ी सड़कें जो सारे देशभर में बन रही हैं, हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे प्रारंभ किया। कि पहले किसी कांग्रेसी सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यह नहीं किया, हम लोगों की ही सरकार, अटल जी हमारे प्रधानमंत्री। अब बाद में जब कांग्रेस की सरकार आ गई, क्या किया इन लोगों ने? रोज 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनती, और आज सुनेंगे मेरा भाइयों, उनके समय में 4-5-6 किलोमीटर सड़कें बनती थी, हम लोगों के समय में 30 से लेकर 32 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं। यह हमारे काम करने का तरीका, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं मेरे भाइयों, फिर से केंद्र में सरकार बनाने के लिए, मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए निशिकांत दुबे जैसे सांसद का जीत कर जाना आवश्यक। आप लोगों ने से मुझे लगता है कि मन बना लिया है कि इस बार इन्हीं को पहले से अधिक मतों से जीता कर भेजना बना लिया है। ठीक है, नहीं है खदाने मिनरल्स हैं यहाँ। मैंने भाइयों, लंबे समय तक इस आजाद भारत में जो किसी ने हुकूमत की है तो कांग्रेस ने किया, यानी दुनिया में जितना मिनरल मिलता है, खनिज पदार्थ जितने मिलते हैं, 41-42% सारे भारत के खनिज पदार्थ कहीं पर मिलते हैं तो भारत, यहाँ हमारे भारत में मिलते हैं, सारी दुनिया में जितने मिलते हैं उसके 41-42% हमारे भारत में मिलते हैं। सब कुछ होने के बावजूद आज भी हमारे आदिवासी भाइयों के, गरीबों के, चेक पिछड़े हुए कौन जिम्मेदार है? लेकिन हम लोगों ने विकास करना प्रारंभ किया। अरे बहनों भाइयों, कौन इस बात की चिंता करता कि हमारे गरीब परिवारों में शौचालय भी रहेंगे? कभी सोचा नहीं होगा।
लेजी सरकार नहीं आने वाली है।